नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए इस विज का C8C स्मार्ट होम कैमरा, जो कि वाईफाई और लैन दोनों से चलता है। तो सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज़ हैं, हम चोरों को पकड़ेंगे इससे। तो इसके काफ़ी वो हैं, फीचर्स वगैरह काफ़ी हैं, और ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, वाईफाई कैमरा। ये HI के विजन कंपनी से स्पॉन्सर्ड है। तो चलिए फिर मैं इसके फीचर्स वगैरह की बात कर लेता हूँ। फीचर्स की हम बात करें तो 180 पिक्सल इसमें फुल HD में मिलता है, और पैनारोमिक और पेंटिल दोनों हैं कि 360 डिग्री घूमेगा भी और ऊपर नीचे भी होगा। उसके बाद इसमें एक कलर नाइट विजन भी है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि जैसे कोई पर्सन वगैरह आ गया, चोर वगैरह, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। एक साथ लाइट जलेगी इसे, ये कि इंफ्रारेड नाइट विजन है इसमें, जो कि ये 30 मीटर से 100 फिट तक कवर कर लेता है। उसके बाद इसमें IP65 वेदर प्रूफ है, जो कि ये बारिश वगैरह इजीली कवर कर लेगा। उसके बाद इसमें एक AI पावर्ड ह्यूमन डिटेक्शन भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये हमें बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर दे देगा अगर हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। और इसमें H.65 वीडियो कंप्रेशन भी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद इसमें Wi-Fi 2.4 GHz दिया गया है, जो जो हमारे घरों में लगा होता है वो वाला होता है। उसके बाद इसमें एक सिक्योर क्लाउड स्टोरेज, ये काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें, कि हमें जैसे कि मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगाना है तो एक क्लाउड स्टोरेज ही कर देगा कवर, लेकिन इसके लिए थोड़े चार्जेस जाते हैं। उसके बाद इसमें ये जो मेमोरी कार्ड लगेगा उसमें 256 GB तक लगता है, यूजुअली 128 तक लगता है, लेकिन इसमें 256 तक लगेगा। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो हम चलिए फिर बात, और हम इसे कनेक्ट वगैरह भी करके दिखाएंगे सब कुछ। ये इंडोर आउटडोर दोनों के लिए है वैसे, लेकिन आउटडोर में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये। और इसमें एक हमें इज विज की ऐप डाउनलोड वगैरह करनी है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से। ऐप स्टोर तो हम अपने उसके लिए होती हैं, जैसे आईफोन होते हैं, और गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड के लिए होते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए फिर गाइज, हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इस किस पे ब्रांडिंग दी गई है, बॉक्स तो काफी अच्छा है। इसमें ये वाटर प्रूफिंग की टूल्स वगैरह दिए गए हैं, और ये अपना ड्रिल टेम्पलेट है, जो कि हम इसे पेस्ट कर कर जब डिलीट करेंगे इसे, ये काफ़ी अच्छे से इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ वगैरह में भी दी गई है, क्योंकि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, लेकिन HI के विजन से ये प्रूव्ड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मेड इन चाइना है। तो मैन्युफैक्चर तो इंडिया में ही हुआ है। उसके बाद ये एक इंफॉर्मेशन की उससे दी गई है कि हमें क्या क्या वार्निंग वगैरह, ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम फाइनली प्रोडक्ट पर आते हैं। इसमें ये हमें ये टूल्स स्क्रू वगैरह दिए गए हैं, उसके नीचे हमें एक चार्जर भी दिए जाते हैं, चार्जर दिया गया है, 12 वॉट का चार्जर है शायद ये, 12 वॉट का चार्जर है, काफ़ी अच्छा है। लेंथ भी इसकी काफ़ी है, क्वालिटी वाइज देखा जाए तो। चलिए इसे साइड में कर लेते हैं।
कैमरे की बात करें तो कैमरा काफ़ी अच्छा है, पैन टिल्ट वगैरह, और ये हमें एंटीना दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी रेंज मिलेगी इसके, दो एंटीना दिए गए हैं। और इधर ये नीचे, इधर ये रीसेट का बटन है इधर, और यहीं से ये स्क्रू खोल कर इधर ही मेमोरी कार्ड डालेगा। उसके बाद हम इसे कवर को रिमूव कर लेते हैं। क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी पीवीसी है, और ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इधर हमें ये लाइटिंग दी गई है डिटेक्शन के लिए, एक साथ जैसे कोई पर्सन दिखेगा तुरंत ये लाइट जलेंगी। इधर ये माइक स्पीकर दिए गए हैं, और ये ऊपर नीचे होता है, ये कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका। और ये केबल की हम बात करें तो ये लैन से कनेक्ट करना है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। और ये पावर का है, ये 12 वॉट का, इसमें डीसी अडेप्टर वाला लगेगा। ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी है। हम ऊपर की साइड लगाने हैं तो ये भी अच्छे फीचर दिए गए हैं, ऊपर की साइड से भी लगा सकते हैं और सामने की साइड से इधर से भी लगा सकते हैं, ऐसे ही ऐसे लगाएंगे इसे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसमें काफ़ी ग्लॉसी लुक दिया गया है ब्लैक का। मैं इसे आपको कनेक्ट करके इसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आउटडोर में ले जाकर, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। मैं इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दूंगा, आप शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं आउटडोर की क्वालिटी के लिए, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। मैं इसे कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, और इसकी ऐप है, ऐप खोलेंगे तो इसके बाद ये इंटरफेस नज़र आएगा। इस विस की ऐप डाउनलोड करनी है आपको, और यहाँ से हम ऐड डिवाइस करेंगे, उसके बाद कैमराज में जाएंगे, उसके बाद एक ये आएगा, इसमें ये स्कैन करना है यहाँ से क्यूआर कोड, ये स्कैन हो चुका है। डिवाइसेस पावर ऑन, ये क्लिक कर लेंगे नेक्स्ट के बटन पे, उसके बाद स्टार्ट। अब ये हमसे वाईफाई पूछेगा तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये एरर वाला वाईफाई है हमारा, इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, दोबारा से अलाउ करेंगे, इसका हम पासवर्ड डालेंगे, डन कर देंगे। ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद हम, ये पेयरिंग चालू हो गई है। ये कनेक्ट हो चुका है, अब इसे हम इसे बाहर लगाएंगे, तो हम इसे गार्डन के उससे करेंगे कनेक्ट। अब ये स्टार्ट हो चुका है, पेयरिंग कर रहा है, कॉन्फिगरिंग। पेयरिंग कर रहा है गाइस, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट का वेट करना पड़ता है थोड़ा।
हो चुका है, सक्सेसफुली एडिट हो चुका है। देखिए ये चालू हो गया है, हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें ये पासवर्ड वगैरह पूछेगा, पासवर्ड डाल लीजिएगा आप। देखिए गाइस, हम इसे एक बार प्रिंट करके दिखाएंगे। देखिए गाइस, ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। कैमरे क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रहा है ये। इसमें अलार्म भी है, ये देखिए लाइटिंग दे रहा है ये हमें। तो चलिए गाइस, मैंने आपको कैमरे क्वालिटी दिखा दी है। तो गाइज़ मैंने इसकी टेस्टिंग वगैरह आपको दिखा दी है, और मैं इसकी हम प्राइस वगैरह की बात करें तो ये मुझे 3400 रुपीज़ का मिल गया है अमेज़न पर। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस 13,000 रुपीज़ है। तो ये काफ़ी अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह सब मैंने आपको दिखा दी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और मैं इसकी शॉर्ट्स में आपको आउटडोर क्वालिटी भी दिखा दूँगा। इसे पहले हम सेटअप वगैरह और कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए फिर, थैंक यू।